तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हमारी जो आज की रेसिपी है इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन। आज मैं आपके लिए वनीला केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको हम विदाउट एग बनाने वाले हैं और बिना ओवन के हम इसको बनाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इस केक को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हम इस केक को बिना अंडे के बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कप दूध लिया है, जिसमें कि एक और आधा टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है। आप सिरका की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक बाउल में लगभग 1.5 टेबल स्पून बटर लिया है और 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें रिफाइंड ऑयल लेंगे। आप कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप कंडेंस मिल्क। यदि आपको कंडेंस मिल्क मार्केट से खरीदना महंगा लगता है तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी मैंने चैनल पर डाली हुई है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। चीनी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इस पर आइसिंग करने वाले हैं। तो चीनी आप स्पॉन्ज में, केक का जो स्पॉन्ज है इसमें हम चीनी की मात्रा बहुत कम रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 और 1/4 कप मैदा लिया है और इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से हम छान लेंगे। ध्यान रखिए, केक बनाने के लिए आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की बहुत आवश्यकता होगी और साथ ही साथ आप इसमें मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, तभी आपका केक अच्छा बनेगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो सिरका डालकर दूध रखा था उसे हम डालते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए और इस बैटर को तैयार कर लीजिए। अब मैं इसे विस्कर से मिला लूँगी जिससे कि अच्छे तरीके से मिल जाए और इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करते जाइए और इसे मिक्स कीजिए। देखिए, बिल्कुल चिकना बैटर जो है वो हमारा तैयार हो जाना चाहिए। अब आखिरी में जो बचा हुआ दूध है वो भी हम इसमें डाल देंगे और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। क्योंकि हम वनीला केक बना रहे हैं इसलिए मैंने वनीला एसेंस डाला है। आप किसी भी एसेंस को डालकर इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का केक बनाना हो उस फ्लेवर का आप एसेंस डाल सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा जो बैटर है वो लगभग तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक केक टिन को तैयार किया हुआ है, बटर पेपर लगाकर अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम इस बैटर को भर देंगे। तो आप इस बैटर को इसमें डाल दीजिए और इस बैटर को इसमें डालने के बाद आप इसको सभी तरफ पे फैला लीजिएगा और अच्छे से टैप कर लीजिए। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में नमक डालकर पहले से 8 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है हाई फ्लेम पर। और अब हम इसमें इस केक टिन को रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे 25 मिनट के लिए। जब तक हमारा केक पककर तैयार होता है तब तक हम इसके लिए आइसिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक बाउल लेंगे। इसको मैंने फ्रिज में रख के ठंडा किया हुआ है। इसमें 1 कप मैंने व्हिप्ड क्रीम डाली है और यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक बीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक बीटर खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। तो देखिए, हमारी जो क्रीम है बिल्कुल थिक हो गई है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो हमारी क्रीम जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरीके से होना चाहिए हमारी क्रीम, बिल्कुल भी ये हिल नहीं रही है। तो अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। इसमें मैंने स्टार नोजल लगाया हुआ है। आप इस तरीके से क्रीम को तैयार करके पहले से फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो केक हमारा 35 मिनट हो चुके हैं और आपको मैं एक टूथपिक डालकर दिखाती हूँ। केक हमारा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। केक हमारा बहुत बढ़िया बना है। तो और इसे मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही आप इसे केक टिन से निकालिएगा। तो एक आप कटोरी के ऊपर मैं इसको रखकर खोल लूँगी। तो देखिए, हमारा केक बहुत ही बढ़िया तरीके से बना है।
और इसका हम बटर पेपर निकाल लेते हैं। मैं आपको बटर पेपर निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा हमारा केक का स्पॉन्ज तैयार हुआ है और ये पूरी तरीके से ठंडा भी हो चुका है। तो हम इसे अब आइसिंग कर लेते हैं। तो अब हम इस पर आइसिंग करेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर से इसको एक बराबर करेंगे। जो ऊपर की उभरी हुई परत है इसको हम निकाल लेंगे। तो आप इसे इस तरीके से निकाल लीजिए, जो उभरी हुई परत है उसे। हमें केक को एक बराबर करना है और अब हम इसे तीन परत में काट लेंगे। तीन भागों में हमें इसे काटना है। तीन परत इसकी हमें तैयार करनी है। तो इस तरीके से हम केक को काट कर तीन भागों में कर लेंगे। तो आप इस तरीके से केक को काट लीजिए। तो यहाँ पर एक केक बोर्ड के ऊपर हम पहले थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे, इस तरीके से लगा देंगे और इसके ऊपर हम एक लेयर केक की रख देंगे। और अब हम इसे शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए आप जितना मात्रा में चीनी लेंगे उतनी ही मात्रा में पानी लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर क्रीम लगाकर हम फैला लेंगे। पाइपिंग बैग से जो क्रीम है बहुत आसानी से लग जाती है। दूसरी परत को लगाकर हल्का सा दबाएंगे और इसे भी अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। क्योंकि हमने जो केक का स्पॉन्ज है उसमें बहुत कम मात्रा में चीनी डाली थी, तो आप घबराइएगा नहीं, हमारा केक बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं होने वाला है और बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा। इसी तरीके से मैंने तीनों परत जमा ली है और इसके ऊपर हम पूरे आइसिंग लगा देंगे और इसे अच्छे से हम एक बराबर कर लेते हैं। किसी भी कार्ड से आप इसे इस तरीके से बराबर कर लीजिए। मैंने इसे सभी तरफ से एक समान कर लिया है। बहुत अच्छे से हमें इसे फिनिशिंग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे जिससे कि ऊपर से अच्छा लगने लगेगा। हम इस तरीके से एक कॉम लेकर इसको इस तरीके से घुमा लेंगे जिससे इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन आ जाएगी इस तरीके की। और अब हम थोड़े से स्प्रिंकल लेंगे और इसके किनारे पर लगा देंगे। तो इसे मैं नीचे की तरफ पर लगा रही हूँ। थोड़ा सा हम इसे ऊपर भी लगा देते हैं, किनारों पर हम इसे लगाएंगे और हम बीच में भी थोड़ा सा जो स्प्रिंकल है वो डाल देंगे। और अब हम स्टार नोजल से इस तरीके से इसमें डिजाइन बना देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा कितना खूबसूरत केक बनकर तैयार हुआ है। थोड़े से हम इसमें सिल्वर बॉल्स डालेंगे। बहुत ही बढ़िया केक हमारा बनकर तैयार हो गया है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको जिस भी तरीके से डेकोरेशन करना चाहें आप अपने तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं काट कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से हमारा केक कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए कितना बढ़िया केक जो है हमारा अंदर से भी बना हुआ है। बहुत ही अच्छा केक है, बहुत सॉफ्ट टेस्टी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही स्पॉन्जी केक हमने बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। यदि आप अंडे वाले केक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।